आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल ज्ञान कोचिंग में। और आज के वीडियो में प्रश्नावली 3.7 का प्रश्न नंबर 1 करेंगे पहले हम, और उसके बाद फिर अगले प्रश्न भी करेंगे। और अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न में कहा गया आपसे कि दो मित्र अनि और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनि के पिता धर्म की आयु अनि की आयु की दोगुनी है और बीजू को आयु अपनी बहन केथी की आयु की दोगुनी है। केथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। अनि और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें अनि की और बीजू की आयु ज्ञात करनी है। तो प्रश्न बहुत ही आसान है, बस आपको समझना है। और बच्चों एक बात बताइए, आप लोगों को क्या मैथ अच्छे से आती है? अच्छे से आती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं अच्छे से आती है तो सोचो कहाँ कारण है। कारण है बेस में, नींव। नींव मजबूत होगी तो बिल्डिंग तो अच्छी बनेगी। अगर नींव कमजोर होगी तो फिर आप कितनी भी सजावट कर लो वो अच्छी नहीं बन पाएगी, कभी ना कभी वो जल्दी से ढह जाएगी। तो यही कारण है आपके मैथ के साथ कि मैथ में आप लोग रटने की कोशिश करते हो लेकिन रटने से मैथ नहीं होता। मैथ को पड़ता है सीखना, उसके कंसेप्ट को सीखना, जो उसमें बताया गया है प्रश्न में उसको बताने के अनुसार उसकी समीकरण बनानी, ठीक है। तो प्रश्न चलिए करते हैं। अनि और बीजू की आयु ज्ञात करनी है और हम आपको जो है ज्यादा जोर कंसेप्ट भी देंगे जिससे कि आपका कंसेप्ट अच्छा हो जाए। तो हम लिखेंगे, माना अनि की आयु बराबर एक्स वर्ष। मान लिया अनि की आयु जो है वो एक्स वर्ष है और बीजू की आयु बराबर वाई वर्ष। अनि की आयु एक्स वर्ष और बीजू की आयु हमने आयु वाई वर्ष मान लिया है। अब देखते हैं प्रश्न के अनुसार, अनि और बीजू की आयु का अंतर जो है ना 3 वर्ष का अंतर है। अनु और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। तो प्रश्न के अनुसार क्या हुआ कि अनु माइनस बीजू बराबर 3। ये समीकरण नंबर हमारी 1 हो गई। अनु माइनस बीजू बराबर समीकरण नंबर बराबर 3, समीकरण नंबर 1। ये हमारी पहली बार जो इसने कहा, पहला स्टेटमेंट कहा उसका है ये, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं। अनि अपने पिता धर्म की आयु, अनि के पिता धर्म की आयु अनि की आयु की दोगुनी है। तो जो पिता धर्म है, पिता कौन है? धर्म। पिता जो धर्म है उसकी आयु हो जाएगी कि आयु, पिता जो धर्म की आयु है वो अनि की आयु की दोगुनी है। जो भी अनि की आयु है उसका दोगुनी है। तो अनि की आयु तो हमने x मानी है बच्चों, तो इसका दोगुना हो जाएगा 2x। ये धर्म की आयु हो गई। और बीजू की आयु अपनी बहन केथी की आयु की दोगुनी है। बीजू की आयु अपनी बहन केथी की आयु की दोगुनी है। तो केथी की आयु कितनी हो जाएगी? केथी की आयु, ये जो केथी की आयु की दुगनी है, यानी कि जो केथी की आयु है उसका अगर हम दुगना कर दें, केथी की आयु का दुगना कर दें तो वो किसकी आयु के बराबर होगा? बीजू की आयु की। तो बीजू की आयु वाई है, 2 गुना केथी की आयु बराबर बीजू की आयु। तो केथी की आयु हमारी हो जाएगी यहां से केथी की आयु बराबर हो जाएगी वाई बटे 2। ये बच्चों मैं इसलिए करा रहा हूं जिससे आपका बेस बहुत अच्छे से हो जाए, ठीक है। अब हमारे पास भाई धर्म की आयु आ गई है, केथी की आयु आ गई है। अब केथी और धर्म की आयु में क्या संबंध है वो देखो। केथी और धर्म की आयु का अंतर 30 है। जो धर्म आयु धर्म है और केथी, उनकी आयु का अंतर कितना है? 30 है। तो धर्म तो हमारा 2x है और केथी की आयु है वाई बटे 2। और इन दोनों का अंतर देखो, इन दोनों का अंतर कितना है? 30 वर्ष है। वैसे ले लो यहां से 2 × 4x - y/2 = 30, या फिर 4x - y = 2×30 से करेंगे तो 60 हो जाएगा। ये हमारी समीकरण नंबर 2 हो गई। तो बच्चे हमारे यहाँ पे समीकरण 1 और 2 दोनों आ चुकी हैं। अब दोनों समीकरणों को हमें सिर्फ हल करना है। धर्म की आयु और कैथी की आयु का संबंध ये है, बीजू की आयु और अनि की आयु का संबंध ये है। दोनों समीकरणों को हल करेंगे, विलोपन विधि से कर लेते हैं। देखो यहाँ पे माइनस वाई है और यहाँ पर भी माइनस वाई है। दोनों में चर पद जो है समान है, समान निशान है।
तो चार पद समान होंगे और समान निशान होंगे तो समीकरणों को माइनस कर देंगे, लिखेंगे समीकरण एक माइनस समीकरण दो। समीकरण एक में से दो को घटाने पर, समीकरण एक है मेरी एक्स माइनस वाई बराबर तीन और चार एक्स माइनस वाई बराबर 60। हल करेंगे तो बेटा जब हम माइनस करते हैं तो जो प्लस वाला है वो माइनस, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, वाई से वाई चला जाएगा, चार में से एक गया माइनस का तीन एक्स और 60 में से तीन गया 57, माइनस से माइनस कट गया एक्स बराबर 57/3, 3 × 3 3 × 27 एक्स बराबर आ गया 19 वर्ष। अब ये जो एक्स का मान है, इस एक्स के मान को आप चाहे समीकरण नंबर एक में रख लो या समीकरण नंबर दो में रख लो, किसी में भी रख के हल कर सकते हो। तो एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, एक्स का मान समीकरण एक में रखेंगे, समीकरण एक है मेरी एक्स माइनस वाई बराबर तीन, तो एक्स का मान 19 है, 19 माइनस वाई बराबर तीन, तो माइनस वाई बराबर तीन माइनस 19, तो वाई बराबर हमारा हो जाएगा यहां से माइनस 19 माइनस तीन बराबर हो गया माइनस के 16, माइनस से माइनस कट जाएगा, वाई का मान हो जाएगा हमारा 16। वाई हमने बीजू की आयु मानी थी और एक्स हमने अनि की आयु मानी थी, तो अनि हमारा एक्स था और एक्स का मान 19, तो अनि की जो आयु है वो 19 वर्ष है और बीजू की आयु हमने वाई मानी थी तो बीजू की आयु 16 वर्ष है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपको क्वेश्चन समझ में आया ये भी बताइएगा। मैंने पूरी पूरी कोशिश की है इसको अच्छे से डिटेल में बताकर आप लोगों तक क्वेश्चन को पहुंचा दिया जाए, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी बनी है और आपको समझ में भी आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, धन्यवाद। प्रश्न नंबर दो, प्रश्न में कहा गया है एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि यदि मुझे 100 रुपये दे दो तो मैं आपसे दुगुना धनी बन जाऊंगा, ठीक है। एक मित्र ने दूसरे मित्र से कहा कि यदि तुम मुझे 100 रुपये दे दो, 100 का नोट दे दो, तो मैं तुमसे दुगना धनी बन जाऊंगा। तो दूसरा मित्र उत्तर देता है, दूसरा कहता है कि यदि आप मुझे 10 रुपये दे दो, भाई तुम तो मुझसे 100 मांग रहे हो लेकिन तुम मुझे सिर्फ 10 रुपये दे दो, अगर तुमने मुझे 10 रुपये दे दिए तो मैं तुमसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा, मैं तुमसे 6 गुना ज्यादा धनी बन जाऊंगा। तो बताइए दोनों मित्रों के पास कितने कितने रुपए हैं, एक मित्र के पास कितने हैं और उसके दूसरे मित्र के पास कितना धन है। तो प्रश्न में हम लिखेंगे माना माना पहले मित्र के पास, माना पहले मित्र के पास कितने रुपए हैं, 100 रुपए हैं, और दूसरे मित्र के पास, दूसरे मित्र के पास है Y रुपये, ठीक है। बच्चों हमने मान लिया कि पहले मित्र के पास 100 रुपये हैं और दूसरे मित्र के पास 100 रुपये हैं। अब इनके प्रश्न के अनुसार चलते हैं, जो इनकी बात हुई, पहले मित्र ने कहा कि यदि तुम मुझसे 100 रुपये दे दो, पहला मित्र X था, और अगर ये Y जो है, दूसरा मित्र जो है, ये अपने धन में से इसको 100 रुपये दे देता है, हमने मान लिया कि ये इसको 100 रुपये दे देता है, तो इसके पास धन हो जाएगा एक्स प्लस 100। और जब मित्र जो वाई है, वाई ने इसको 100 रुपये दिए तो इसने जो 100 रुपये इसको दिए इसके पास तो 100 रुपये कम हो जाएंगे अपने धन में से। और अब जो इसके पहले वाले मित्र के पास जो धन है वो इस दूसरे मित्र के धन से कितना है, 2 गुना है। इसके पास जो धन है वो इसका 2 गुना है, तो इसमें हम 2 से गुना कर देंगे तो ये इसका बराबर हो जाएगा। समीकरण को सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स प्लस 2 के अंदर गुणा करेंगे 2y माइनस 200 एक्स, ये 2y प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा और ये माइनस के 200 और ये जो 100 हमारा प्लस है ये भी इधर आकर माइनस के 100 हो जाएगा। एक्स माइनस 2y बराबर 200 और 100 को प्लस करेंगे, 100 और 200 हमारा हो जाएगा माइनस के 300 और ये हमारी समीकरण नंबर एक हो जाएगी, ठीक है। अब भाई दूसरे कंडीशन पर आते हैं, जब दूसरा मित्र उत्तर देता है दूसरे मित्र के अनुसार, दूसरे मित्र के अनुसार को उसने कहा यदि आप मुझे 10 रुपये दे दो तो मैं तुमसे 6 गुना धनी हो जाऊंगा। अब जो ये दूसरा वाला मित्र है ये इसने सिर्फ 10 रुपये मांग रहा है,
तो एक्स जब इसको 10 रुपये देगा दूसरे वाले को, उसके पास धन बचेगा एक्स माइनस 10, 10 रुपये इसमें से कम हो जाएंगे। और जो दूसरा मित्र है, वाई, इसने इसको 10 रुपये ले लिए, तो इसके पास वाई प्लस 10 हो जाएगा। और इसने कहा था कि मैं तुमसे 6 गुना हो जाऊंगा। अब ये जो धन है वाई प्लस 10, जो धन है ये इसका 6 गुना है, तो इसमें हम 6 से गुणा कर देंगे। दोनों समीकरणों को हल करेंगे यहां से, 6 की एक्स से करेंगे, 6x माइनस के 60 बराबर वाई प्लस 10। ये हमारा 6x और माइनस के वाई बराबर 10, और ये जो 60 माइनस है इधर आके प्लस 60 हो जाएगा। तो 6x माइनस वाई, 60 और 10 कितना हो गया, 70, समीकरण नंबर 2। तो हमारी समीकरण 1 भी आ गई है और समीकरण 2 भी आ गई है। बच्चों आपको समीकरण 1 और 2 को हल करना है। देखिए हल कैसे करेंगे, यहाँ पे माइनस के 2y हैं और यहाँ पे केवल माइनस का y है, तो हम इसमें y को बराबर कर लेते हैं, जो y है हमारा चरपद इसको बराबर कर लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 तो ऐसे ही रखेंगे, और समीकरण 2 में हम 2 से गुणा करेंगे तो ये भी माइनस का 2y हो जाएगा। समीकरण 1 माइनस 2 गुणा समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 तो हमारी ऐसी है, एक्स माइनस 2y बराबर माइनस के 300, और समीकरण 2 है हमारी 6x, इसमें 2 से गुणा करेंगे हम, तो 2 से गुणा करेंगे समीकरण 2 में, तो 2 6 12, 12x माइनस के 2y और बराबर 70 140। जब हम बच्चों समीकरण को माइनस करते हैं आपस में, तो उस समय उनके निशान बदल जाते हैं, तो ये माइनस होगा, ये प्लस, नीचे वाली समीकरण के निशान बदलते हैं, और ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस। 2y से 2y कट जाएगा, माइनस के 12 में से गया माइनस का 11x, और इसको घटा, जो जुड़ जाएंगे दोनों हमारे, 0 4 और 3 और 1 4, -440 कट जाएगा, x बराबर हो जाएगा 440/11, x बराबर 11 चौक 44 40, x का मान हमारा 40 आ गया। ये जो x का मान आया, इस x के मान को हम समीकरण नंबर 1 या 2 जिसमें चाहे रख सकते हैं, तो इस मान को मैं समीकरण 1 में रखूंगा। समीकरण 1 है मेरी x माइनस 2y माइनस 3, तो x की जगह 40 माइनस 2y बराबर माइनस के 300, माइनस 2y बराबर माइनस 300, और यहाँ पे जो 40 प्लस है ये इधर आकर माइनस के 40 हो जाएगा, माइनस 2y बराबर माइनस 340, माइनस से माइनस कट जाएगा, वाई बराबर हमारा आ जाएगा 340/2, ये हमारा 170 हो जाएगा, वाई बराबर 170। अब एक्स हमने माना था पहले मित्र का, तो पहले मित्र का जो धन है वो 40 रुपये हो जाएगा, और दूसरे मित्र का जो धन है वो 170 रुपये हो जाएगा, और ये हमारा आंसर। तो अपने बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में, और आज की वीडियो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन प्रश्न नंबर 3 करने से पहले मैं एक बात बताता हूँ आपको, कि अगर आप मैथ करते हो अच्छे से, ठीक है, आप अगर मैथ करते हो अच्छे से, तो ये वीडियो को 1 मिनट के लिए रोक दें, और रोक कर इस प्रश्न को पहले खुद करने की कोशिश करें, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपका मैथ अच्छा है लेकिन अगर आपसे नहीं हो रहा है, तो फिर आप वीडियो को चलाएं और क्वेश्चन को समझें। इस तरह के प्रश्न देखने में आसान लगते हैं, करने में थोड़े ट्रिकी होते हैं, और पेपर में तो बहुत ज्यादा आ सकते हैं कि इनकी संभावना है, ठीक है। तो चलिए मैं शुरू करता हूं, और हाँ अगर आप हमारे नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मैं बताता हूँ क्वेश्चन कैसे होगा। ये सबसे पहले प्रश्न पढ़ो, क्या बताया गया अभी प्रश्न में, एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी की 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते, और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती तो उसको 3 घंटे अधिक लगते। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, क्या होगी। समझ में आया प्रश्न। प्रश्न में कहा कि एक रेलगाड़ी है, जब वो एक समान चाल से तय चलती है तो कुछ दूरी को तय कर लेती है, लेकिन उसी दूरी को अगर उसकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल तेज कर दी जाए तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम समय लगता है। भाई रेलगाड़ी भगाएंगे तो टाइम कम लगेगा,
लेकिन उसने ये भी कहा कि अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को और बढ़ा दिया जाए तो उसको अपने नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते हैं, तो बताओ रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। तो भाई ये दो बिंदु है, ये स्टेशन है, रेलगाड़ी यहां से चलती है और यहां पहुंचती है, ऐसे हमें इनके बीच की दूरी बतानी है, दूरी क्या होगी। तो मैं मान लूंगा, माना इसमें क्या मानना है, यही खेल है बच्चों, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, हमने मान लिया रेल की जो रेलगाड़ी की चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है और दूरी तय करने में लगा समय, करने में लगा समय, जो दूरी तय कर रही है उसमें करने में लगा समय हमने मान लिया y आवर, y घंटे, ठीक है। तो रेलगाड़ी की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी तय करने में उसको y घंटे समय लगा है, हमने मान लिया उसे A स्टेशन से B स्टेशन पे जाना है भाई। तो बच्चों आपको पता है दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। ये सूत्र इसमें याद रखना, ये सूत्र याद होगा तभी अच्छे से हो पाएगा सवाल। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो हमारी जो दूरी है, चाल हमने मानी है x और दूरी हमने मानी है y, यानी दोनों स्टेशन के जो बीच की दूरी है वो क्या है, x इंटू वाई है, दोनों स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है हमारी, x इंटू वाई, ये हमारी दूरी हो गई एक्स वाई। अब एक बात समझो, जो कंसेप्ट है सवाल का, अब हम ट्रेन को तेज चलाएं या कम चलाएं, भाई तेज चलाएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे और धीरे धीरे चलाएंगे तो देर में पहुंचेंगे, लेकिन दूरी तो हमारी बदलेगी नहीं, दूरी तो हमारी नियत है ना, दूरी फिक्स है, ठीक है, दूरी तो वही रहेगी, चाल बढ़ाओगे समय कम लगेगा और चाल घटाओगे तो समय ज्यादा लगेगा, बस इतना काम हो सकता है, लेकिन दूरी आपकी नहीं बदलेगी। अब पहली शर्त देखते हैं क्या है, पहली शर्त के अनुसार उसने कहा यदि रेलगाड़ी की चाल 10 किलोमीटर अधिक तेज कर दें, रेलगाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज कर दें, तो हमारी जो पहली नियत चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, अब उसकी जो चाल है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दें तो अब हमारी चाल हो जाएगी x प्लस 10, और जब हमने चाल को बढ़ाया तो उस समय उसमें 2 घंटे कम लगते हैं, इसी दूरी को तय करने में उसको 2 घंटे कम लगते हैं, यानी कि पहले जो हमारा समय लग रहा था वाई घंटे, अब लगेगा वाई माइनस 2 घंटे, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी चाल हो गई और ये हमें समा हो गया, और चाल गुणा समय बराबर क्या होती है बच्चों, दूरी, पर मैंने कहा दूरी तो नहीं बदलेगी ना, क्योंकि इस स्टेशन से इसी स्टेशन तक तो जाना है और दूरी हमने निकाल दी हमारी एक्स वाई थी, तो ये बराबर में एक्स वाई हो जाएगा। इन दोनों को हल करेंगे, हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, इनको गुणा करना पड़ेगा, इसकी गुणा एक्स की वाई से करेंगे ये एक्स वाई हो जाएगा, एक्स की गुणा माइनस 2 से करेंगे माइनस के 2x, 10 की गुणा वाई से करेंगे 10y और 10 की गुणा माइनस 2 से करेंगे माइनस 20 बराबर एक्स वाई। यहां पे बच्चों एक्स वाई प्लस है, यहां पे एक्स वाई ये भी प्लस है, अगर इसको बराबर से इधर लाएंगे तो ये तो माइनस हो जाएगा, तो एक्स वाई से एक्स वाई हमारा कट जाएगा, माइनस 2x प्लस 10y बराबर 20, ये जो माइनस का 20 है इधर आकर प्लस का 20 हो जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा इसमें से, माइनस का 2 अगर हम कॉमन लेंगे तो ये हमारा एक्स माइनस, माइनस का 2 कॉमन लिया तो x माइनस 5y बराबर 20, 2 से 20 को भाग देंगे x माइनस 5y बराबर माइनस का 10, और ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। समझ में आया समीकरण 1 आपको। अब हम चलते हैं दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त सवाल में, दूसरी शर्त है यदि रेलगाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी कर दें, अब चाल को क्या करना है, धीमा करना है, तो पहली जो चाल थी वो हमारी x किलोमीटर प्रति घंटा थी, अब चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा करना है, तो चाल हमारी x माइनस 10 हो जाएगी, अब हमारी जो चाल है वो x माइनस 10 हो जाएगी, और जब हमने चाल कम करी तो जाहिर सी बात है बच्चों, भाई चाल कम करेंगे स्पीड घटाएंगे तो समय तो ज्यादा लगेगा जाने के लिए, तो उसको 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, तो पहले जो हमारा वाई किलोमीटर प्रति घंटा टाइम लग रहा था, अब उसकी जगह आपका वाई प्लस 3 किलोमीटर प्रति घंटा समय लगेगा, और चाल गुणा समय बराबर क्या होती है, दूरी, और दूरी क्या है, दूरी तो नियत है,
कांस्टेंट है जाना तो ए से बी के बीच ही है, तो दूरी हमारी एक्स वाई हो जाएगी। आपस में गुणा कर लेंगे, एक्स वाई प्लस के 3x माइनस के 10y और 10 दिया माइनस के 30। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपको। बराबर एक्स वाई, एक्स वाई से एक्स वाई को काट दो, ये हमारा 3x और माइनस के 10y और बराबर में 30। ये माइनस का 30 है इधर आके प्लस का 30 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे एक्स वाई का मान निकालने के लिए। हल करने के लिए क्या होगा बच्चों, यहाँ पे देखिए माइनस के 5y है, यहाँ पे माइनस के 10y है। समीकरण 1 में हम अगर 2 से गुणा कर दें तो ये भी 10y हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा समीकरण 1 गुणा 2 माइनस समीकरण 2, क्योंकि दोनों के निशान माइनस हैं इसलिए समीकरण माइनस की जाएगी। समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो एक्स में 2 से गुणा करेंगे 2x, 2 पंजे माइनस के 10y और 10 दशम, 10 दूनी माइनस के 20। ऐसे ही हमारा 3x माइनस के 10y वो बराबर में 30। बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बता दिए। और यहाँ पे हम बेटा निशान बदल देंगे, ये हमारा माइनस, ये प्लस और ये माइनस। 10y से 10y कट जाएगा और माइनस 3x और प्लस 2x माइनस का x बचेगा, और माइनस 20 और माइनस 30 बराबर माइनस के 50 हो जाएगा। माइनस से माइनस काट देंगे, x बराबर हमारा 50। x का मान जो 50 आया, इस x के मान को आप चाहे समीकरण 1 में रख लीजिए या समीकरण 2 में रख लीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारी x माइनस 5y बराबर 10, x की जगह 50 माइनस 5y बराबर कितना, माइनस के 10। माइनस 5y बराबर माइनस 10 और माइनस 50, तो हमारा y बराबर हो जाएगा माइनस के 60 बटे माइनस के 5, काट देंगे 12, तो y बराबर हमारा आ गया 12। तो हमारी जो चाल हमने मानी थी x, वो चाल हमारी आ चुकी है 50। ये जो हमने चाल मानी थी, चाल हो गई 50। और जो समय हमने माना था, जो समय लग रहा था, वो हो गया हमारा 12 घंटे। पूछा है कि दूरी कितनी तय करेगा, तो दूरी कितनी आया था भाई, दूरी बराबर आया था x इंटू वाई, तो दूरी हमारी हो जाएगी 50 गुणा 12, गुणा कर लेंगे तो बराबर 600 किलोमीटर। तो दो जो स्टेशन जो दूरी तय करती है रेलगाड़ी, वो हमारा 600 किलोमीटर है। बच्चों आपको प्रश्न समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्टूडेंट, अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार फिर से तैयार हो जाए एक नए क्वेश्चन के साथ। चैलेंजिंग का प्रश्न है ये भी आसान प्रश्न नहीं है, बच्चों को बहुत दिक्कत करता है, लेकिन आज के बाद दिक्कत नहीं करेगा क्योंकि आज हम इसका सलूशन बताएंगे आसान तरीकों से और साथ ही साथ इसमें आपको समझाएंगे भी कि क्या कंसेप्ट है। चलिए देखते हैं, प्रश्न है हमारा, एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्ति में खड़ा होना है, एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्ति में खड़ा होना है, लेकिन यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं तो एक पंक्ति कम बन जाती है, और यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते हैं तो 2 पंक्ति ज्यादा बन जाती है। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या है आपको यह बताना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, क्या तरीका है इसका, क्या मेथड है, देखिए हमें बतानी है विद्यार्थियों की संख्या क्या है। तो हम मानेंगे, माना एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बराबर x। हमने मान लिया कि एक पंक्ति जो है बेंच की, उसमें x विद्यार्थी हैं और कुल पंक्तियां जो हैं, कुल बेंच जो पड़ी हुई हैं, कुल पंक्ति जो बना रहे हैं विद्यार्थी खड़े होकर, वो वाई पंक्ति है। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब इसका कंसेप्ट समझो, क्या कंसेप्ट है इसमें। चलिए भाई, एक बेंच है, हमें सपोज दैट 12 बच्चे बैठाने हैं क्लास में, एक बेंच पे हमारे 3 बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, तो 2 बेंच पे हमारे 6 बच्चे आएंगे, 3 बेंच पे हमारे 9 और 4 बेंच पे हमारे 12 बच्चे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे जब हम एक बेंच पे 3-3 बच्चे बैठा रहे हैं तो हमारी 4 बेंच बन रही है, यानी कि जो अगर हमारे कुल एक बेंच पे बच्चे x हैं
और हमारी चार बेंचे हैं, तो बेंचे यहाँ पे कुल मिला के वाई है। अगर एक बेंच पे हमारे एक्स बच्चे बैठा दें और कुल बेंचे हमारी वाई हैं, तो कुल बच्चे हमारे एक्स गुना वाई हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर एक बेंच पे यहाँ पे तीन बच्चे हैं, यहाँ पे तीन है, यहाँ पे तीन है, तो तीन और कुल बेंच चार है, तो तीन गुना चार बराबर कुल बच्चे कितने होंगे, 12। समझ में आ रहा है बच्चों क्वेश्चन? अब देखो इसमें क्या है, हमने कहा एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या x है और कुल पंक्तियां y है, तो कुल बच्चे आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कितने होंगे, कुल बच्चे हो जाएंगे हमारे x गुना y। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम पंक्ति में ज्यादा बच्चे बैठाने लग जाएं, जहां पे तीन बैठे थे, तीन की जगह अगर हम चार बच्चे कर दें, देखो अगर हम पंक्ति में तीन की जगह चार बच्चे कर दें, पहले एक बेंच पे तीन बच्चे बैठे थे, अब यहाँ पे चार बच्चे बैठा दें, यहाँ पे भी अब हमने यहाँ पे चार बच्चे बैठाए, तो देखिए यहाँ पे तीन बच्चे बैठे थे तो चार पंक्ति बनी थी, अब हमने एक एक बच्चा बढ़ा दिया, चार बच्चे बैठा दिए तो पंक्ति हमारी तीन बनी, लेकिन विद्यार्थी अब भी चार गुना तीन बराबर 12 है। भाई बच्चे कम बैठाएंगे बेंच पे तो बेंचे ज्यादा लगानी पड़ेंगी, और बच्चे ज्यादा बैठाएंगे एक बेंच पे तो यहाँ पे आपको बेंचे कम लगानी पड़ेगी, यानी कि पंक्ति आपकी कम बनेगी। तो इसका कंसेप्ट ये है कि अगर आप यहाँ बच्चों को ज्यादा बैठाओगे बेंच पर, ज्यादा बच्चों को बेंच पे बैठाओगे तो आपको बेंचें कम लगानी पड़ेगी, यानी कि एक पंक्ति में अगर ज्यादा बच्चे खड़े होंगे तो कम पंक्ति बनेगी, और अगर एक बेंच पे आप कम बच्चों को बैठाओगे, एक पंक्ति में कम बच्चों को खड़ोगे तो आपको ज्यादा पंक्ति लगाएंगे, लेकिन बच्चों की संख्या कम ज्यादा नहीं होगी, बच्चों की संख्या तो वही रहेगी, बस बच्चों को यहाँ पे कम बैठा रहे हैं तो ज्यादा पंक्ति बन रही है, और यहाँ ज्यादा लगा रहे बच्चे तो कम पंक्ति, ये इसका कंसेप्ट है बच्चों। ठीक है, तो हमने मान लिया कि एक पंक्ति में जो विद्यार्थी हैं वो एक्स हैं और कुल जो पंक्ति है वो हमारी वाई है, तो कुल बच्चे जो हैं वो एक्स इंटू वाई, एक्स गुना वाई जो है ये कुल बच्चे हो जाएंगे हमारी कक्षा में। अब पर्सन के अनुसार चलते हैं, पर्सन अनुसार, पर्सन में क्या कहा गया है, पर्सन में आपसे कहा यदि पंक्ति में तीन विद्यार्थी अधिक होते, जितने विद्यार्थी पहले हमें एक पंक्ति में बैठा रहे थे उससे तीन विद्यार्थी अधिक होते, यानी कि पहले तो हम एक्स विद्यार्थी बैठा रहे थे बच्चों, और पहले एक्स बैठा रहे थे तो अब हम उसमें से तीन ज्यादा बैठाएंगे तो हम x प्लस तीन विद्यार्थी बैठाएंगे एक पंक्ति में, और जब तीन विद्यार्थी हम ज्यादा बैठा रहे हैं तो एक पंक्ति कम बनती है, तो जो पहले y पंक्ति हमारी बन रही थी उसमें से एक पंक्ति हमारी कम बन जाती है। तो एक पंक्ति में बच्चों की संख्या गुणा कुल पंक्ति बराबर कुल बच्चे थे हमारे एक्स इंटू वाई। समझ में आया बच्चों? अब यहां पर समीकरण को सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी गुणा करेंगे x की y से एक्स वाई, एक्स की गुणा वन से करेंगे माइनस का x, तीन की गुणा y से करेंगे तीन वाई और माइनस के तीन बराबर x इंटू वाई, एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा हमारा, माइनस x प्लस तीन वाई बराबर तीन हो जाएगा, ये माइनस है जरा के प्लस, और ये हमारी समीकरण नंबर एक हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त क्या है प्रश्न में, दूसरी बात क्या है, यदि पंक्ति में तीन विद्यार्थी कम होते, पहले तीन विद्यार्थी अधिक है, अब पंक्ति में तीन विद्यार्थी कम होते तो हमारे विद्यार्थी पहले x थे तो अब कम होंगे तीन, तो x माइनस तीन हो जाएंगे। अब भाई विद्यार्थी कम बैठाओगे लाइन में तो लाइनें तो ज्यादा बनेंगी ना, पंक्ति ज्यादा बनेगी, तो भी तीन विद्यार्थी कम होते तो दो पंक्ति अधिक बनती, तो पंक्ति पहले हमारी वाई थी, अब हमारी वाई प्लस टू, दो ज्यादा बनेगी, और पंक्ति में विद्यार्थी गुणा पंक्तियों की संख्या बराबर होता है कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी हमारे एक्स वाई थे तो एक्स वाई हो जाएगा, गुणा करेंगे एक्स वाई, एक्स की गुणा दो से करेंगे दो एक्स, माइनस तीन की वाई से करेंगे माइनस तीन वाई, और माइनस तीन की दो से करेंगे माइनस के छह बराबर एक्स वाई, यहां हमारा एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, ये हमारा हो जाएगा दो एक्स माइनस तीन वाई वो बराबर, ये जो माइनस छह इसको इधर ले जाएंगे प्लस का छह, समीकरण नंबर दो। अब समीकरण एक व दो को हल करेंगे, समीकरण एक दो को हल कैसे करेंगे बच्चों, समीकरण एक है हमारा माइनस एक्स प्लस तीन वाई बराबर तीन, और समीकरण दो है दो एक्स माइनस तीन वाई बराबर दो, तो दोनों में वाई जो देखिए वाई जो हमारा यहाँ पे वाई चर पद है ये दोनों में बराबर है और निशान इनका अलग अलग है, तो हम समीकरण एक से दो को समीकरण में जोड़ देंगे, हम लिखेंगे समीकरण एक प्लस समीकरण दो, समीकरण एक है हमारी माइनस एक्स प्लस तीन वाई बराबर तीन, और समीकरण दो है मेरी दो एक्स माइनस तीन वाई बराबर छह।
3y से 3y कट जाएगा, 2x में से x जाएगा, तो हमारा प्लस का x बचेगा और हमारा इधर 6 और 3 9 हो जाएगा। तो x बराबर हमारा हो गया 9, यानी कि एक पंक्ति में जो है 9 विद्यार्थी हैं। x का मान हम समीकरण एक या समीकरण दो जिसमें चाहे रख लेंगे, आंसर आ जाएगा। x का मान समीकरण एक में रखने पर, x का मान समीकरण एक में रखेंगे तो माइनस 9 प्लस 3y बराबर 3, तो 3y बराबर 3 और 9 माइनस है बराबर से इधर आएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा। 3y बराबर 12 और y बराबर 3 चौक 12 4। तो यहाँ पे हमारे जो एक पंक्ति में विद्यार्थी हैं, एक पंक्ति में जो विद्यार्थियों की संख्या है वो है 9। तो एक पंक्ति में विद्यार्थी हैं 9 और कुल पंक्ति है हमारी 4, तो कुल विद्यार्थी हो जाएंगे 9 गुणा 4 बराबर कितने 36। तो कुल जो है 36 विद्यार्थी पूरी क्लास में हैं। बच्चों आप बताइए आपको समझ में आया क्वेश्चन, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपको बहुत सारी कोर्स की वीडियो आपको पहले मैंने अपलोड कर दी है, इंग्लिश में भी अपलोड है, हिंदी में अपलोड है, वो आप जाकर देख सकते हैं। और अदर कोर्स भी आपका जो अपलोड हो रहा है धीरे धीरे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रश्न संख्या 5 है हमारी, एक त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर है 3 कोण बी, बराबर है 2 कोण ए प्लस कोण बी, तो त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो भाई त्रिभुज के तीनों कोण हमें ज्ञात करने हैं, तो हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो हम यहां लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो बेटा यहां पे कोण ए प्लस कोण बी का मान हो जाएगा 180 माइनस कोण सी, समीकरण नंबर एक। ठीक है, अब हमें दिया गया है कि कोण सी बराबर 3 कोण बी है और कोण बी बराबर 2 कोण ए प्लस कोण बी है। ठीक है, तो अब हम यहां क्या करेंगे, एक बार इन दोनों को लेंगे, यहां लिखेंगे कोण सी बराबर 3 कोण बी, या फिर ये हो जाएगा हमारा कोण सी माइनस 3 कोण बी बराबर 0, समीकरण नंबर दो हो जाएगी। एक बार हम इसको और इसको लेंगे, इन दोनों यहां पे हम लिखेंगे कि कोण सी बराबर 2 कोण ए प्लस कोण बी, क्योंकि तो बराबर ही है ना आपस में, तो इसको इसको बराबर रख सकते हैं, इसको और इसको बराबर रख सकते हैं। तो ये हमारा हमने यहां पे लिख लिया 3 कोण बी बराबर 2 कोण ए प्लस कोण बी, इसको और इसको एक बार रख लिया दोनों को। अब कोण ए प्लस 2 कोण बी का मान क्या है, ये मान हम यहां पर रखेंगे 3 कोण बी बराबर 2 कोण ए प्लस बी का मान कितना है 180 माइनस सी, तो यहां पे लिखेंगे 180 कोण माइनस कोण सी, इसको हल कर लेंगे। 3 कोण बी बराबर 180 की 2 से करेंगे 360 और माइनस 2 कोण सी ये इधर चला जाएगा, तो ये हमारा जाएगा 2 कोण सी प्लस 3 कोण बी बराबर 360 और ये हमारी समीकरण नंबर 3 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 को हल करेंगे, क्योंकि ये देखिए इसमें भी सी और बी है और इसमें भी सी और बी है, इनको हल करेंगे हम यहाँ पे। कैसे हल करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पे भी 3 कोण बी है, यहाँ पे भी 3 कोण बी है, तो समीकरण 2 और 3 को आपस में जोड़ देंगे, समीकरण 2 3 प्लस समीकरण 2, समीकरण 3 और 2 को आपस में जोड़ेंगे हम तो मिलेगा हमारा कोण सी माइनस 3 कोण बी बराबर 0 और इधर 2 कोण सी प्लस 3 कोण बी बराबर 360, इनको जोड़ा हमने 3 कोण बी से 3 कोण बी कट गया, दो रेख कितना हो गया 3 कोण सी बराबर 360, कोण सी बराबर 360 बटे 3 बराबर 120, तो कोण सी का मान हो गया हमारा 120 डिग्री। ये जो हमारा कोण सी है, ये कोण सी का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे कोण सी का मान, कोण सी का 120 आया तो 2 में रखेंगे, ये सी है यहाँ पे, तो ये हमारा 120 माइनस 3 कोण बी बराबर कितना 0, तो 3 कोण बी बराबर माइनस का 120 इधर आकर माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, कोण बी बराबर 120 बटे 3, 3 से काट देंगे 40, तो कोण बी का मान हमारा 40 डिग्री आ जाएगा।
अब कोण बी का मान हमारा 40 डिग्री आया, कोण सी का मान हमारा 120 डिग्री आया। अब ये बी और सी का मान हम समीकरण नंबर किस में रखेंगे, एक में, समीकरण नंबर एक में रखेंगे बी और सी का मान। तो हमें यहाँ पे कोण ए का मान मिल जाएगा, कोण बी का मान आया हमारा 40, तो कोण ए प्लस 40 डिग्री बराबर 180 माइनस कोण सी 120 डिग्री, यहाँ पे रख दिया मान। तो कोण ए बराबर 180 माइनस 20 हो गया हमारा कितना 60 डिग्री, और ये 40 प्लस है यहाँ पे माइनस का 40 हो गया। कोण ए बराबर 60 माइनस 40 बराबर 20 डिग्री। तो हमारे यहाँ पे तीनों कोण आ चुके हैं, ए बी, बी बी और सी बी। तो बच्चों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रश्न संख्या 6 है हमारी, समीकरणों 5x माइनस वाई बराबर 5 और 3x माइनस वाई बराबर 3 के ग्राफ खींचिए, ठीक है। इनके हमें ग्राफ बनाने हैं और रेखाओं और वाई एक्सिस से बने रेखाएं और वाई एक्सिस से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और इस प्रकार बने त्रिभुज का क्षेत्रफल का प्रकलन भी कीजिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले दोनों समीकरणों से एक्स वाई के मान निकालने हैं और फिर इनको ग्राफ पे शो करना है, ठीक है। कैसे करते हैं ग्राफ पे, देखिए हम लिखेंगे 5x माइनस वाई बराबर 5। यहां से हम लोग ये जो माइनस वाई है इस y को इधर रखेंगे और ये 5 और ये जो 5x प्लस है इधर आके माइनस का 5x हो जाएगा। y माइनस हटाएंगे यहाँ से तो इधर के निशान बदल जाएंगे, जो माइनस का 5x है वो प्लस का 5x हो जाएगा और जो प्लस का 5 है वो माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम इस समीकरण के निकालेंगे बिंदु, निर्देशांक निकालेंगे समीकरण के। देखिए कैसे निकालते हैं निर्देशांक बच्चों, ये एक्स हो गया, ये हमारा वाई। एक्स बराबर जीरो रख लीजिए, एक्स बराबर जीरो रखेंगे तो y बराबर हमारा 5 गुणा 0 माइनस 5, तो y बराबर हमारा माइनस का 5 हो जाएगा। x बराबर 0 पर y का मान माइनस के 5 है। और बच्चों x बराबर अगर इसमें 1 रखेंगे समीकरण में, x बराबर यहाँ 1 रखेंगे तो y बराबर मिल जाएगा 5 माइनस 5, y बराबर 0, तो x बराबर 1 पर y का मान 0। ये हमारा समीकरण नंबर 1 से बिंदु आ गए। अब हमारी जो समीकरण 2 है इससे निकालेंगे, तो समीकरण 2 है हमारी 3x माइनस वाई बराबर 3, तो यहाँ पे बच्चों y बराबर हो जाएगा 3x माइनस 3, ये y इधर ले जाएंगे, ये तीन इधर माइनस का, ये हमारी समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 से भी हमें क्या करना है, अपने बिंदु निकालने हैं। ये हमारा x और ये हमारा y, यहाँ पे रखेंगे बच्चों x की जगह 0 रख देंगे तो y का मान हमारा कितना आएगा, x की जगह 0 रखने पर y बराबर 3 गुणा 0 0 माइनस 3 बराबर माइनस के 3, तो x बराबर 0 पर y का मान 3 आएगा। फिर ऐसे ही x की जगह 1 रख देंगे, x की जगह 1 रखेंगे तो y का मान हमारा आ जाएगा 3 गुणा 1 माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 1 पर y का मान हमारा 0 आ रहा है, ठीक है। ये हमारे कोऑर्डिनेट आ गए। अब हमें इन कोऑर्डिनेट को ग्राफ पर बनाना है, ग्राफ पेपर पर, ठीक है। तो उसके लिए पहले ग्राफ पेपर ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे हम इक्वेशन के कोऑर्डिनेट करेंगे। पहला कोऑर्डिनेट है हमारा 0, -5, 0, -5, x पे 0 और y पे -5, तो पहला कोऑर्डिनेट हमारा आ जाएगा यहाँ पे ये 0, -5, 0, -5, ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया। दूसरा कोऑर्डिनेट है 1, 0, x पे 1 और y पे 0, तो 1, 0 हमारा ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1, 0। अब हम इस कोऑर्डिनेट हमने बना लिए, अब हम इनसे की लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे हम कोऑर्डिनेट की। तो यहां से ये हमारा 0.5 है, ये हमारा कोऑर्डिनेट यहां पे 0.5 है, इससे हम यहां पे ऐसे होते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये हमारी ऐसे चली जाएगी, ठीक है। ये हमने लाइन हो गई 0.5 की।
और ये जो लाइन हमारी बनी कौन सी इक्वेशन से बनी, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 इस वाली लाइन के, तो इसके ऊपर हम ये लाइन लिख देंगे 5x माइनस 5y, 5x माइनस y इज इक्वल टू 5, ये हमारी लाइन इसकी हो गई। अब हम सेकंड कोऑर्डिनेट ड्रॉ करेंगे, सेकंड कोऑर्डिनेट है 0 कोमा माइनस 3, x पे 0 और y पे माइनस 3, ये हो गया हमारा 0 कोमा माइनस 3, और दूसरा 1 कोमा 0, x पे 1 और y पे 0, 1 कोमा 0 ये वाला कोऑर्डिनेट है हमारा, ये 1 कोमा 0, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 कोमा 0 पहले से लिखा ही हुआ है। अब हम ये वाली लाइन भी ड्रॉ करेंगे 1 कोमा 0 की, सो ये हमारी हो जाएगी 1,0 से होते हुए लाइन को ऊपर की तरफ ले जाना है ऐसे, ये हमारी लाइन हो गई दूसरी इक्वेशन की। दूसरी इक्वेशन क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब इन दोनों लाइनों ने जो हमारा त्रिभुज बनाया किस पर, y एक्सिस पर, उस त्रिभुज के निर्देशांक हमें बताने हैं, तो हमारा त्रिभुज जो बना इसका नाम लिख लेते हैं a, b और c। दोनों लाइनों से जो त्रिभुज बना इसका नाम है ए बी सी, और त्रिभुज के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे, ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1,0, बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,-3, और सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे 0,-5, ये हमारे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बताना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब वाई एक्सिस तो ये हमारा वाई एक्सिस पे बेस इंटू हाइट होता है सूत्र, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार कितना है, देखिए 2 यूनिट आधार है, 2 गुणा ऊंचाई कितनी है, 1 यूनिट ऊंचाई है, 2 से 2 काट दिया तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल हुआ। तो बच्चों आपको उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।